हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमी का आपको नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहे हैं और इकोनॉमी को मैं अभी आप लोगों को वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, लंबी थोड़ी क्लास चलती चली जा रही है। कारण ये है कि आपको छोटे छोटे मैटर दिए जा रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में, राइट। आज हम बात करते हैं नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अगर हम बात करें आज नियोजन के आधार पर, हम बात करते हैं नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, अनप्लान्ड इकोनॉमी। ठीक, तो नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तरह की होती है, एक है आपकी योजनाबद्ध, दूसरी है गैर योजनाबद्ध। ठीक, इन पे हम चर्चा करते हैं। अगर बात करें इन पे हम चर्चा करते हैं कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में हम पहले बात करते हैं कि योजनाबद्ध, मैं पहले समझा दे रहा हूँ कि मैं पॉइंट डिफिनेशन लिख दूंगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो भी देश अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले एक योजना बनाता है, एक रणनीति बनाता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में वो देश जो अपने आर्थिक समृद्धि विकास के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त के लिए जो रणनीतियां बनाता है, योजना बनाता है पहले से, वो योजना बनाने के बाद फिर उस पर काम करता है, तो उससे हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं उस देश की। जैसे हमारे देश भारत में पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, पंचवर्षीय योजना बन जाती थी फिर उस पर काम किया जाता था। उसी तरह योजना आयोग पंचवर्षीय योजना लाता था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग की 15 वर्ष से विजन, 3 साल का एजेंडा, तो इस तरह की योजनाएं बनाता है और उस पर काम लगातार करता जाता है, समझ रहे हैं ना। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब ये। अब इसमें अगर बात करते हैं डिफिनेशन लिखने की, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वे देश जो अपनी आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए एक योजना व रणनीति बनाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब इसमें पहले लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, समझे, मतलब इसमें लक्ष्य पहले निर्धारित कर दिया जाता है और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं व रणनीतियां बनाई जाती हैं वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जैसे हमारे देश में योजना आयोग पहले था जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। ठीक, उसके अलावा ये किसके द्वारा चलती थी? योजना आयोग के द्वारा। उसी तरह अब क्या है वर्तमान में, तो नीति आयोग ने भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए, 15 वर्षीय विजन, 3 वर्षीय एजेंडा, लक्ष्य निर्धारित किए गए और उसके बाद इन लक्ष्यों पे काम किया जा रहा है। ठीक, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो रणनीतियां बनाती हैं वह अर्थव्यवस्थाएं या वह अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के तहत
ये प्रमुख परिभाषा और उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जैसे इसका पहला भाग, दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो दूसरा जो है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, गैर योजना बद्ध अर्थव्यवस्था। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ मतलब क्या है, अगर बात की जाए तो गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बात करें कि वे देश, समझिए पहले परिभाषा, वे देश जो अपने आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, काम करते जाते हैं, हाँ कोई करना है रहता है कि हाँ ये मेरे को आज अपने क्षेत्र अपने देश में आर्थिक तंगी को दूर करना है, काम कर रहे हैं, बट कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है कि 2025 तक हमें दूर करना, 2030 तक हमें दूर करना, 2022 तक दूर करना, तो ऐसे कोई लक्ष्य नहीं निर्धारण रहता है। ये रहता है कि हाँ मेरे को गरीबी दूर करनी, हमें भूखमरी दूर करनी, हमें बाढ़ बचाव के लिए काम करना, इसके लिए नई योजना नहीं बनाना, काम करना है, काम करते भी है, परंतु कोई लक्ष्य नहीं है कि नहीं हमें 2022 तक ही हम कर देंगे, 2025 तक टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मैं देश के अंदर भुखमरी को समाप्त करूँगा। तो ये चीज़, तो गैर योजनाबद्ध में ये पॉलिसी नहीं, गैर योजनाबद्ध की अगर परिभाषित करें तो कोई योजना नहीं और उस पर लगातार, मतलब कि लक्ष्य बनता है, काम भी होता है, लेकिन कोई निश्चित समय के लिए नहीं कि हाँ इतने टाइम तक हम काम कर देंगे, तो कोई निश्चित समय फिक्स नहीं रहता गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा बता रहे हैं, समझा रही है, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में लक्ष्य बनते हैं और योजनाएं एवं रणनीतियों के द्वारा पूरे भी होते हैं परंतु कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है, मतलब काम होना है, लक्ष्य मिल भी जाएगा, कोई समय सीमा इसके निर्धारण नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी परिभाषा दिया रहता है, बोल दीजिएगा किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आपको आंसर देना रहता है। ठीक, तो इसलिए योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध नियोजन के आधार पर मैंने आपको बताया समझाया आज की वीडियो में। ठीक, तो इससे संबंधित मैंने परिभाषा पहले समझाया, फिर मैंने परिभाषा लिख दी, और आप लोग हो सके तो आप परिभाषा की डेफिनेशन जरूर नोट करते चले, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आगे भी हेल्प मिलती रहेगी। और ये सब सारे पॉइंट मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट में बता रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। राइट, तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण से रिलेटेड जो वीडियो आपको जैसी लगी हो, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।